मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कार्तिक महात्म पांचवा अध्याय। चौथे अध्याय में हमने जाना कि क्यों भगवान विष्णु ने सभी देवताओं की प्रार्थना पर बद्री का आश्रम स्थान को पूरी पृथ्वी पर सर्वप्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला और मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला, ब्रह्म हत्या आदि पापों को नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला स्थान होने का वरदान दिया। आइए अब जानते हैं आगे की कथा। राजा प्रथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब मुझे इस मास में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। देवऋषि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है, फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस मंत्र का जाप करें, हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, सम्मति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातुन तोड़कर करें। कटीले पेड़ों कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहां सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए, प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, माला, चंदन, तांबुल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति ही है। नारद जी ने राजा प्रथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों की पूजा करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया, मैं भक्ति से ही हूँ, जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम व क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। जय श्री राधे। पांचवा अध्याय समाप्त।